हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी फैशन रणवीर सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। इसे आप गर्ल्स टॉप में, स्कार्फ में, शॉल में डाल सकते हैं। ये सभी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बात करते हैं इसके स्टिचेस की। इसके स्टिचेस 18 के मल्टीपल से होंगे और 14 फंदे इसके एक्स्ट्रा होंगे। 2 फंदे इसके एस स्टिच के होंगे और 12 फंदे इसके एडिशनल होंगे। तो आप इसी हिसाब से इसके फंदे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ले लिए हैं और इसकी एक रो मैंने सीधी बुनकर नीचे से निकाल ली है, इसे नीचे से बेस देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है और इसकी राइट साइड है। यह स्टिच ऐसे उतार लेंगे। आगे 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे हमने इसके सीधे बुन लिए। धागा आगे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट वाला भी सीधा ही बुन लेंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड। 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस रो में हमने जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसे वैसे ही बुनेंगे। छह फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लास्ट वाला भी उल्टा ही बुन लेंगे। देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो है राइट साइड। ये स्टिच है, इसे ऐसे ही उतार लेंगे। आगे फिर से 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा आगे करेंगे। अब ये देखिए, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से धागा उसी सिलाई पर लेकर जाएंगे और फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से 2 फंदों का एक फंदा। ये सारे हम 6 फंदे जो हैं इनको ऐसे बंद कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए इनको घटा देंगे। लास्ट में एक उल्टा फंदा है, इसे क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे। एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा एक साथ ऐसे बुनेंगे। फिर ये 12 फंदे जो हैं सीधे इनको बुन लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लास्ट वाला सीधा बुन लेंगे। देखिए थर्ड रो फोर्थ रो है रॉन्ग साइड। ये 12 फंदे इसके उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बुन लेंगे।
ये देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ये देखिए एक और ये दो, दो बार सिलाई पर ऐसे धागा घुमाएंगे और फिर से 12 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है, फिफ्थ रो है राइट साइड। अब ये देखिए क्या करना है, ये हमारे पास तीन फंदे ऐसे सिलाई पर उतार लेंगे और इनको पीछे रख लेंगे और ये आगे के तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। इन तीन फंदों को ऐसे इस सिलाई पर वापस ले लेंगे। अब इन तीन फंदों को भी सीधा बुन लेंगे, फंदे ऐसे लेंगे, इनको अब आगे रखेंगे, ये पीछे वाले तीन सीधे फंदे इनको ऐसे सीधा बुन लेंगे। इसको इस सिलाई पर वापस लेकर जाएंगे और इन तीनों फंदों को भी ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब ये जो हमने यहाँ पर ऐसे ये फंदे बढ़ाए थे इसको ऐसे छोड़ देंगे धागे को। अब क्या करना है, धागा आगे करना है और यहाँ पर हमने जो ये 6 फंदे नीचे घटाए थे इनको फिर से यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको सिलाई पर लेंगे और ऐसे इसको बुनेंगे। अब इसको ऐसे उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए एक, फिर से ये दो, थोड़ा सा खींच लेंगे, सेट कर लेंगे, दो फिर से निकालेंगे, तीन, चार, पांच, छह। ये देखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए तीन फंदे ऐसे उतार लेंगे और इनको ऐसे पीछे रखेंगे, पहले पीछे वाले तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, इनको वापस सिलाई पर लेकर जाना है और इनको भी सीधा बुन लेंगे। अब ये तीन फंदे उतारेंगे, इनको आगे रखेंगे और पीछे वाले तीन सीधे फंदे बुन लेंगे। इनको वापस सिलाई पर लेकर जाएंगे, अब इनको भी सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, फोर सिक्स रो है राउंड साइड।
इसमें ये 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 धागा आगे करेंगे, 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 6 रो इसकी कंप्लीट कर ली है और हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे 1st रो से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 12 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 धागा पीछे करेंगे, फिर से 12 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये देखिए इसकी 1st रो कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड वैसे ही बुनेंगे जैसे हर बार बुनते हैं, ऐसे ही ऊपर बार बार इसकी 6 रो कंप्लीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं थोड़ा सा आपको और बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए फैन, ये मैंने इसे थोड़ा सा और ऊपर बना दिया है और ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, ऐसे ही ऊपर हम इसकी 6 रो बार बार रिपीट करते जाएंगे और हमारा ये डिज़ाइन ऐसे ही बनता जाएगा। इसे आप स्कार्फ में, शॉल में और गर्ल्स टॉप में डाल सकते हैं, ये उसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।